नवांगतुक एसपी अनुराग वत्स ने संभाला चार्ज, मीडिया से हुए रूबरू, बोले शासन व प्रशासन की प्राथमिकताओं के अनुसार करेंगे काम, अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाना पहली प्राथमिकता। नवांगतु को पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने हरदोई पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए, सबसे पहले उन्होंने अपना परिचय देते हुए पत्रकारों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कहा शासन व प्रशासन की प्राथमिकताओं के अनुसार वे काम करेंगे, इसके अलावा अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि समस्याओं को सामने लाने में पत्रकार का अहम रोल होता है। मीडिया को उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत है तो उन्हें सीयूजी नंबर पर भेज दी जाए तो उस पर कार्यवाही अवश्य होगी। उन्होंने मीडिया को यह भी आश्वस्त किया कि समय समय पर वे पत्रकारों से वार्ता करते रहेंगे। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा नवांगतुक एसपी श्री वस्त ने थाना व पुलिस कार्यालय पर फरियादियों की समस्याओं को सुनकर तत्काल निस्तारित कराए जाने की बात कही है। 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग वत्स इसके पूर्व कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक पत्रकार पद पर कार्यरत थे। उनकी छवि ईमानदार व तेज तरार आईपीएस अधिकारियों में है। प्रेस वार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनिल कुमार यादव व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह मौजूद रहे। रिपोर्टर आशीष सिंह। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।